हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सेवन्थ की मैथ। एस एस 16.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉलोइंग द रन्स स्कोर्ड बाय 10 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच 37, 48, 59, 101, 23, 9, 10 और 29। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो वैल्यूज दी गई हैं आपको इन्हें सोल्यूशन करते हुए इसमें आपको फाइंड द मेडियन फ्रॉम द एबो कहा गया है। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द मेडियन हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे मेडियन फाइंड आउट करेंगे इस पर जरूर ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन बुक्स में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें कैसे हम सोल्यूशन करने वाले। देखिए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आंसर शीट भी सब सही है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 8 डिजिट दी गई है। यानी एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और फॉलोइंग आर द रन स्कोर बाय 10 प्लेयर, और यहां क्वेश्चन में कहा गया 10 प्लेयर के लिए, बस यही रॉन्ग है। 10 प्लेयर नहीं है, यहां पर टोटल क्या कहेंगे, 8 प्लेयर। तो यहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, 8 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच के लिए बात कही गई है। तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो यहां पर 8 करना है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, सोल्यूशन करना है एन इक्वल टू 8, यानी यहां पर जो नंबर दिए गए वो 8 है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। आपको जो भी नंबर सीरीज दी जाए सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी छोटे से बड़े की ओर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 9, 9 के बाद यहां पर हो जाएगा 10, 10 के बाद लिख लेंगे हम लोग यहां पर 23, 23 के बाद लिखेंगे यहां पर 29, 29 के बाद लिखेंगे 37, 37 के बाद लिखेंगे 48, 59 और 101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी टोटल यहां पर 8 जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हीं का आपको मेडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेडियन करने के लिए जब भी आपको नंबर दिए जाए तो आपको नंबर पहले देखिए वो इवन है कि ऑड है। तो नंबर भाई इवन है, और इवन है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा चुका हूं कि मेडियन इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं एन अपॉन टूथ प्लस एन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आपको बात आ गई होगी कि किस फॉर्मूले की हेल्प से करना है। यानी जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ये फॉर्मूला आपको मेडियन के लिए लर्न होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से पढ़ें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट्स आपके ना हो। चैनल पर जो भी बच्चे ना हो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ते चलें। चलिए यहां पर देखिए एन की वैल्यू क्या दी गई, 8। आप यहां पर 8 अपॉन 2 लिख लीजिए, प्लस यहां पर भी लिख लेंगे 8 अपॉन 2 प्लस 1 लिख लेंगे और अपॉन 2 लिखेंगे। जो भी नंबर कट उनको कट कर लीजिए, 2 4 8 हो जाएगा, यहां भी 2 4 8 हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा आपका नंबर पोजीशन फोर्थ प्लस, अब 4 और 1 प्लस करेंगे तो फिफ्थ हो जाएगा। यहां पे लिख लेंगे फिफ्थ अपॉन 2। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये नंबर पोजीशन है। बहुत बच्चे नहीं को प्लस करके डिवाइडेशन कर देते हैं, फिर आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिए ये नंबर पोजीशन है। तो फोर्थ पोजीशन कौन सी है, ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाई उस पर देखना है, 1 2 3 4 29। बहुत ध्यान रखिएगा, जो असेंडिंग ऑर्डर की आपने एक सीरीज बनाई उस नंबर को देखिएगा, ना कि क्वेश्चन नंबर को, नहीं फिर आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे जो नंबर सीरीज बनाते हैं उसके हम नंबर देखेंगे। तो आंसर देखिए फोर्थ पोजीशन में 29 है और फिफ्थ पोजीशन में क्या है, 37 अपॉन 2 लिख लेंगे। ठीक है, चल इसके उनको प्लस करिए, 9 7 16 6 carry 1 3 2 5 1 6 अपॉन 2, और यहां पे 2 से कट करिए, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 इक्वल टू 33, इट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट हो गए। बस इस तरह के अगर मेडियन क्वेश्चन आते हैं और नंबर इवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, पोजिशन नंबर जो भी हो उनको नोट करना है, सोल्यूशन करिए, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको कवर हो गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट्स आपको नहीं होंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और इसमें और पढ़ा दूंगा ऑड करने के, अगर ऑड पोजीशन के नंबर हो तो उन्हें हम कैसे करेंगे, इसी बिल्कुल सेम इसी तरह के, तो ऑड नंबर्स होंगे तो उन्हें कैसे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको ऑड करने वाला पढ़ा दे रहा हूं, उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। ऑड करने के मतलब यह कि नंबर आपको ऑड हो जाए, तो मान लीजिए एक नंबर हम इसमें मिस किए दे रहे हैं, कम किए दे रहे हैं, तो नंबर वैल्यू क्या हो जाएगी, यह ध्यान रखिए। तो मान लीजिए कि नंबर कितनी हो गई, n इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ऑड पोजीशन का नंबर होता है। ऑड के लिए हम मेडियन कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी इसी मैंने कर दिया। अगर आपको इस तरह कोई नंबर अगर आ रहे हैं और ऑड पोजीशन नंबर हो रहे हैं तो फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से आप उन क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, मैं इसे तुरंत पढ़ा दे रहा हूं, एन प्लस वन अपॉन टू। यानी जब भी ऑड के लिए नंबर हो तो मेडियन के इस फॉर्मूले की हेल्प से कर देंगे, बिल्कुल ईजी है, एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, सेवन, यानी अब जो हमने नहीं बनाई है, सेवन प्लस वन अपॉन टू लिख लेंगे टूथ। इसके बाद सेवन वन को प्लस करें तो एट अपॉन टूथ हो जाएगी, टू से कट करिए तो नंबर क्या मिल गया आपको, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर जब मिल गया है तो फोर्थ नंबर क्या है, तो फोर्थ पोजिशन नंबर क्या है, वन टू थ्री फोर, ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन इट इज द राइट आंसर। कंप्लीट हो गया। ऑड नंबर्स का जब सोल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल और इजी है, आपको फॉर्मूला लिखना है, नंबर वैल्यू पुट करनी है, सोल्यूशन करना है, जो भी पोजीशन नंबर आएगा वो पोजीशन नंबर लिखिए, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं, बढ़िया से आप इनको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम डाउट्स होती है और कोई क्वेश्चन क्वारीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आने वाले वीडियो में हैशटैग आस्क क्वेश्चन करके या कुछ क्वेश्चन करके हम आपको जरूर से जरूर वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे, उन सभी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी से अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।